तो ये हमारी छोटी गुड़िया रानी है, जय माता रानी। तो बाकी देखो आज हम आए हैं कालीमठ मंदिर, दिवाली का दिन है तो आज माँ काली के मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद माता रानी के गुण गाएंगे। देखो यहाँ पे आरती हो रही है माँ काली के मंदिर में। जय हो माता रानी। यहाँ पे देखो ये खेल रहे हैं आराम से। सबसे पहले मंदाकिनी नदी को जल चलाता हूँ। जय हो प्रभु, हरिओम, हर हर गंगे, 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 हर हर गंगे। जब माता जी ने सुमनी सुम का वध किया उसके बाद जो है माता जी जो है अपने क्रोध को शांत करने के लिए जो है नीचे भोले संगम बजा रही थी, सीढ़ी में अपने पाँव ऐसे रखा तो भोलेनाथ ने अपने माया रची, तो भोलेनाथ नीचे लेटे थे जो ही माता जी ने पाँव ऐसे रखा तो माता जी का क्या हो गया, क्रोध शांत हो गया। बाबा जी यहाँ पे चाय बना रहे हैं लकड़ी में। तो बाकी देखो अभी रात के 6 बज रहे हैं तो हम आए हैं सबसे पहले माँ बारी के मंदिर में और माँ बारी के मंदिर को एकदम सजा, माँ बारी के मंदिर में लेके आए हैं 500 दिए बारी के मंदिर में। हैप्पी दिवाली आप सभी को भी, दीपावली और हैप्पी बगवाव, बगवाव गढ़वाली भाषा में बगवाव। पर भी देखो लड़ी लगा दी है पापा ने, दिवाली में इतना शानदार लगता ना चारों तरफ का नजारा। जय श्री राम, हर हर महादेव। तो गाइस स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। गाइस तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूं मैं बाबा की नगरी केदार घाटी से। तो देखिए सुबह सुबह का मौसम का हाल देखिए, कुछ इस प्रकार से मौसम का हाल है आज। धूप खिली है, कड़ाके वाली देख सकते हैं और चारों तरफ हरियाली खिली हुई है। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली। तो हमारी पहाड़ी भाषा में बोलते हैं हैप्पी बगवाओ। तो आप सभी को बगवाओ की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो गाइस अभी देखो आज है दिवाली तो घर में फूल होते हैं ना फ्रेश फूल, तो इनकी माला बनाते हैं और भगवान जी के मंदिर में ये माला को चढ़ाते हैं। तो आज दिवाली का है, आप सभी को हैप्पी दिवाली। बाकी अब हम जा रहे हैं यहाँ से कालीमठ। बाकी हाय नित्या मूसी। तो ये हमारी छोटी गुड़िया रानी है वो। बाकी देखो कुछ 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 कुछ। और ये हमारी बड़ी मूसी है। ये सुंदर सा मंदिर है माता रानी का, माँ काली का मंदिर कालीमठ का। तो चलो अब यहाँ से चलते हैं विद्यापीठ के पास में। जो ये झरना है ना, वाटरफॉल है, कितना प्यारा लग रहा है, गजब का लग रहा है, देख सकते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं कालीमठ में। तो यहाँ पे देखो आपको ढेर सारी दुकानें मिल जाएंगी प्रसाद वगैरह की। तो बाकी देखो और हमारे साथ में है ये जय माता रानी, और ये हमारी सासू जी है, मौसी जी है, और ये हमारे जोड़े जी, शाला जी, ये सब है। देखो अभी हम कालीमठ मंदिर के पुल में आ चुके हैं और हमारे पीछे बहुत बड़ी सेना है जो आज मंदिर में जा रही है कालीमठ मंदिर में। तो बाकी यहाँ पे देखो आपको घंटियाँ इतने ज़्यादा मिल जाएंगी घंटियाँ ना। भाई साहब नमस्कार, क्या हाल चाल बढ़िया। तो बाकी देखो आज हम आए हैं कालीमठ मंदिर में और आज दिवाली का दिन है तो आज माँ काली के मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद माता रानी के गुण गाएंगे। तो आज देखो माँ काली के मंदिर में काफ़ी भक्तजनों की भीड़ है। बाकी हमारी पूजा होगी यहाँ पे और गाड़ी की भी पूजा होगी और इतने सारे मेंबर आए हैं और बाकी प्रसाद के लिए अमरूद भी लेके आए हैं अपने घर से, माता जी हैं सब हैं। देखो यहाँ पे आरती हो रही है माँ काली के मंदिर में। जय हो माता दी। तो बाकी यहाँ पे
लास्ट में जब आरती होती है उसके बाद एक प्रतिमा करना पड़ता है माता रानी की मंदिर में। देख सकते हैं ये, जय हो माता रानी। तो बाकी यहाँ पे जो नाला का धागा होता है वो लगाना पड़ता है जब भी पूजा पाठ हो जाती है। हम आए हैं महासरस्वती और गौरी शंकर के मंदिर में। बाकी देखो दिवाली के दिन देखो मंदिर में देखो, और अभी हम जा रहे हैं भैरवनाथ मंदिर में। बाकी ये देखो सोनम, सासू जी, मौसी जी और मम्मी और नित्या यहाँ पे है। शाबाश, पैदल आती है नंगे पांव। ओह माय गॉड, शाबाश, यस, बिम बिम बिम, ओ हटो सामने से, शाबाश, ओह माय, यस, भारत माता की। नहीं नहीं, चलो 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 चलो, नित्या आ जाती है। वाह, जय हो, जय हो। अभी आए हैं हम भैरवनाथ मंदिर में। कहाँ है मंदिर में? कहाँ मंदिर में? कहाँ? भैरवनाथ के मंदिर। बोलो, जय भैरवनाथ की जय। जय जय। भैरवनाथ मंदिर से आ चुके हैं। हमारी यही घंटियां रहती है माँ काली के मंदिर में। बाकी इन्होंने मेरे को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया, बोल हमारी रील से बनाओ। सोनम तो ऐसी लगी है कि है। तो बाकी अब यहाँ से माँ काली के मंदिर में पूजा पाठ भी हो गई है, अब यहाँ से चलते हैं ऊपर और गाड़ी की पूजा करवाते हैं। जय माता रानी। तो यहाँ से पूजा पाठ हो गई है, अब यहाँ से जा रहे हैं रुच्छ महादेव की तरफ। जय माँ काली। तो कालीमठ से थोड़ा आगे आए हैं कबीलठा में, और यहाँ पे अपनी गाड़ी लगाई है। यहाँ पे पार्किंग अच्छी है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ छोटे बच्चों का खेलने का है, तो ये लोग यहाँ पे चले गए हैं खेलने के लिए। तो देख सकते हैं, तो ये देखो यहाँ पे, ये देखो भव्य, ये देखो, और नित्या भी आती है। नित्या आ जाओ, कम ऑन, आ जाओ, हाँ मत पकड़ो, मत पकड़ो, माय गॉड, आ जाओ आराम से, खेलो आराम से, आराम से भव्य। हाँ तो यहाँ पे देखो ये खेल ले आराम से। तो यहाँ पे खिलौना थे यहाँ पे पार्क में, और इन्होंने बोला हमको जाना है बल। चलो चलो, चलो अब चलते हैं, चलो अंकल जी चल गए, चलो नहीं अब आगे जाना ना। क्या आ चुकी है यहाँ पे, और अब चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ से रुच्छ महादेव का रास्ता है पैदल का। जय माता दी। बाकी ये कुछ झरने हैं, तो इस प्रकार से कुछ रास्ते वगैरह हैं रुच्छ महादेव का। तो बाकी जो हमारे साथ के थे मम्मी, सासू जी वगैरह, तो वो लोग चले गए आगे, तो हम भी चलते हैं आगे। तो एक रुच्छ महादेव जो कि नदी के तट पे बसा हुआ एक मंदिर है, तो आपको वहां जाके नज़ारा बताता हूँ। यहाँ से इस प्रकार से दिखता है रुच्छ महादेव। ये है रुच्छ महादेव का मंदिर जहाँ पे पूजा पाठ होती है। 1.5-2 किलोमीटर का रास्ता होगा। तो अगर आप लोग भी कभी रुच्छ महादेव आते हो तो कालीमठ से आगे है, क्योंकि मैं सबसे पीछे रह गया हूँ, बाकी सब लोग आगे चले गए हैं। हर हर महादेव। तो बाकी ये पहुँच चुके हैं हम रुच्छ महादेव के मंदिर में। हमारे पीछे तो रुच्छ महादेव जी का जो है, तो इसमें पानी वगैरह चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, मान्यता बहुत ज़्यादा है। तो बाकी देख सकते हैं यहाँ पे देखो नाग भी रखे हैं, तो इसमें जल वगैरह चढ़ाते हैं। तो बाकी यहाँ पे देखो बहुत सारे, काफी बड़ा है, देख सकते हैं जैसे इसे पकड़ दो। तो बाकी यहाँ पे लोटे आ चुके हैं, यहाँ से जल लेते हैं, और फिर वो देखो यहाँ से आ जाओ। गाइस जो जो ये वाली नदी है, ये है मंदाकिनी नदी जो केदारनाथ से निकलती है, और जो ये थोड़ी सी ऊपर से आ रही है ना, वो ऊपर देखो झरना, तो वो है सरस्वती नदी। तो दोनों मिलकर फिर मंदाकिनी कहलाती है। हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो अभी देखो सबसे पहले मंदाकिनी नदी को जल चढ़ाता हूँ। जय हो प्रभु, हरिओम, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे,
हर हर गंगे। सभी लोग देखो मंदाकिनी नदी में, सबसे पहले मंदाकिनी नदी में जल वगैरह चढ़ा रहे हैं, देख सकते हैं। जय हो प्रभु, हर हर गंगे। जय हो। यहाँ पे ऊपर पे मंदिर है, तो यहाँ से देखो एक रास्ता उधर जाता है और एक रास्ता जाता है मंदिर की तरफ। ये भगवती मरणा माया है, ऋषि महादेव हैं, भोलेनाथ हैं, शिव शक्ति दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे। यहाँ पे जब माता जी ने जो है सुमन निशम का जब वध किया ना, राक्षस को मारा, तो मारने के बाद जो है माता क्या हो गई थी, क्रोधित हो गई थी, बहुत क्रोधित। तो आपने देखो कैलेंडर में देखा होगा आपने, रुन्ने की माला पहनी हुई माता जी की, ये स्थान है वो। जब माता जी ने सुमन निशम का वध किया, उसके बाद जो है माता जी जो है अपने क्रोध को शांत करने के लिए जो है नीचे भोले संगम बजा रही थी, गई। जो ही माता जी यहाँ से नीचे गई, सीढ़ी में अपने पांव ऐसा रखा, तो ही भोलेनाथ में अपने माया रची, तो भोलेनाथ नीचे लेटे थे। तो जो ही माता जी ने पांव ऐसा रखा, तो माता जी का क्या हो गया, क्रोध शांत हो गया। हाँ, यहाँ पर जो है पितरों के निमित्त पिंड तर्पण गोदन सारे होते हैं। ये उत्तर गया के नाम से जाना जाता है ये तीर्थ, अभी इसका प्रचार प्रसार है ना, पर उत्तर गया के नाम से जाना जाता है। जो फल की प्राप्ति जो है ना गया काशी में जाने से मिलता है, वो यहाँ मिलता है। हमें जो थोड़ा बहुत जानकारी है वो हमने आपको बता दी, केदारखंड में पूरा वर्णन है इसका जी। अरे बाकी यहाँ पे देख सकते हैं, ये है मरणा माई का मंदिर, चंदन का पूरा, जिसे घोड़ते हैं पंडित जी चंदन। जय हो मरणा माई। तो अभी देखो रुच महादेव के ऊपर आ गए हैं मनना माई के मंदिर में, और यहाँ पे देखो एक हनुमान जी की एक प्यारी सी पत्थरों की मूर्ति है, देख सकते हैं बहुत ही पुरानी मूर्ति। तो बाकी और यहाँ पे आके मन को सुकून मिल गया है। और बाकी जिस रुद्राक्ष की बात मैं कर रहा था, तो ये सामने है रुद्राक्ष का विशाल पेड़, तो आजकल इस पर छोटे छोटे लग रहे हैं। और ये रुच महादेव में ये देखो एक कुटिया है, बहुत ही पुरानी कुटिया है, और जो कि पत्थरों से बनी हुई है। ये इसके ऊपर जो छत है ये पठाली की छत है, और इसकी जो दरवाजे है ये देखो कितने छोटे हैं, पुराने ज़माने के। कि यहाँ पे एक बाबा जी हैं, यहाँ से चाय वगैरह पीते हैं, तो देखते हैं। चलिए बाबा जी वो तो कुछ चले गए, और तो कुछ चले गए, तीन ही है यहाँ पे। हाँ वो चले गए, छोटे बच्चे थे ना। तो बाकी देखो यहाँ पे रुच महादेव जी के मंदिर के ऊपर में यहाँ पे एक बाबा जी हैं, तो जरा बाबा जी से कुछ जानकारी लेते हैं। तो बाबा जी यहाँ के कुछ बारे में कुछ हमें भी बताइए कुछ। आप यहाँ कब से हो बाबा जी? हमको दो तीन महीने हो गए। तो बाकी आप यहीं पे क्या रहते हैं कि आपके साथ में कोई और भी है? एक साधु और है। अच्छा, एक साधु और है। तो बाकी बाबा जी यहाँ पे चाय बना रहे हैं लकड़ी में। तो यहाँ से दूध कहाँ से आता आपको? गांव से देते हैं लोग। अच्छा, तो आज दिवाली के दिन देखो बाबा ने यहाँ पे दिए वगैरह जला के रखे हैं, मतलब बना के रखे हैं, एक दिया जल रहा है और बाकी शाम के लिए। और यहाँ पे कुछ मूर्ति वगैरह है। और तो बाकी देखो महात्मा जी ने देखो हमारे लिए चाय बना दी यहाँ पे, और ये लोग पी रहे हैं। नहीं नहीं बाबा जी। बाकी देखो अभी हम आए हैं रुच महादेव में, पूजा पाठ कर दी है, और यहाँ रुच महादेव में आजकल एक भी दुकानें नहीं है। यहाँ पे एक बाबा जी की कुटिया है, तो बाबा जी ने बोला है कि हम आपके लिए चाय बनाते हैं, तो बाबा जी ने आग में वहाँ हमारे लिए चाय बना दी है, और बाकी चाय पीते हैं और फिर निकल जाते हैं ऊपर अपने घर के लिए। अब यहाँ से हम चल रहे हैं रुच महादेव से, सबसे आगे है सोनम है, उसके बाद मौसी जी है, मम्मी है, नित्या है, सासू जी है। यहाँ से चलते हैं अपने घर की ओर, बाकी लोग तो चले गए हैं आगे। और बाकी एक और बात है, यहाँ पे देखो जो यहाँ के भेड़ पालक है, तो यहाँ पे देखो ये है भेड़ पालक कालीमठ घाटी के, तो इनके ढेर सारी बकरियाँ हैं यहाँ पे, और इनके ना जो कंधे पे एक थमाली रहती है, ये देखो बड्डा जी की गर्दन पे एक थमाली रहती है, तो ऐसा कुछ सीन है।
बाकी देखो सोनम मजे ले रही है झरने के और बड़ी प्यारी प्यारी हवा आ रही है, ये देख सकते हैं और कितना प्यारा नज़ारा है, देख सकते हैं ऐसा खूबसूरत नज़ारा है, देख सकते हैं रास्तों का। तो मैंने आपको बताया है रुच्छ महादेव जो कि कालीमठ घाटी से कालीमठ घाटी में पड़ता है। तो बाकी अभी नित्या आ रही है सोनम की घूगी में, ये देख सकते हैं। बाकी देखो अभी मेरी नित्या मेरे पीठ पे आ गई है क्योंकि इसको थकान लग गई। अब मैं इसके नीचे आता हूँ ऊपर तक। देखो यहाँ पे मनाड़ लग चुकी है बताए। तो सभी लोग पहुंच चुके हैं रोड में, तो चलो अब यहाँ से चलते हैं भात खाने के लिए सीधे। ए भाभी चलो कहाँ जाना है, बुआ के यहाँ पे। तो बाकी देखो अभी हम आ चुके हैं रोड में, अब यहाँ से सीधे चलते हैं अपने घर की ओर। देखो अभी हम पहुंच चुके हैं घर में, पूनम यहाँ पे कूट रही है और हमारे मेहमान भी आ चुके हैं। तो पूनम इसके लिए नहीं आई है क्योंकि हमारी छोटी वाली बेबी को बुखार आ रखा है। तो अब चलते हैं भात खाने के लिए। बाकी लंच भी रेडी है, लंच में दाल है, चावल है, हरी सब्जी है। बाकी सभी लोग यहाँ पे अभी 4 बजे दोपहर का लंच कर रहे हैं। लगा के जोर लगा के दो दो सवारी बैठा रखी है नित्यान की, ये देखो। तो बाकी देखो हो माय गॉड। बाकी देखो अभी रात के 6 बज रहे हैं, तो हम आए हैं सबसे पहले माँ बारे के मंदिर में और माँ बारे के मंदिर को एकदम सजाया है क्योंकि आज दिवाली है। तो दिवाली के दिन यहाँ पे हमने 500 दिए लेके आए हैं, तो माँ बारे के मंदिर में लेके आए हैं 500 दिए। तो 500 दिए जला रहे हैं यहाँ पे और अब मंदिर को दियों से एकदम सजाएंगे, फटाफट से दिए वगैरह लगाते हैं। बाकी देख सकते हैं हम हैं अभी माँ बारे के मंदिर में और मेरे हाथ में इतने सारे दिए हैं, तो मंदिर के चारों तरफ हमने लगा दिए हैं और भी लगाने वाले हैं। तो बाकी देख सकते हैं, तो माता रानी के मंदिर को हम आज मिट्टी के दियों से सजा देंगे आज। जय माता रानी, जय माँ बारी। फटाफट से लगाते हैं, अभी अपने घर में भी पूजा पाठ करनी है। बाकी देखो अभी कुछ हो चुके हैं, यहाँ पे दिए वगैरह लगा दिए हैं, ये देखो यहाँ पे। और बाकी देखो माँ बारी का मंदिर आज दिवाली के दिन इतना चमक रहा, बाकी देख सकते। तो बाकी यहाँ पे देखिए, वाह, तो भैजी का भी सहयोग बहुत ज्यादा रहा है माँ बारी के मंदिर में। तुम हो युवा, नहीं तो करना है सब कुछ। ये अब बना रहा यार, तो जब मैं तो बाकी देखो हमारी चाची जी यहाँ पे। तो बाकी देखो, तो आज सबका सहयोग रहा है माँ बारी के मंदिर में। और आज देखो इतनी प्यारी प्यारी वो भी मिट्टी के दिए जलाए हैं और यहाँ पे हमारे पास में। बाकी हमारी चाची जी को भी हैप्पी दिवाली, हैप्पी भगवाओ। और बाकी बुड्ढी जी को भी हैप्पी भगवाओ और चाची जी को भी हैप्पी भगवाओ। देखो आज माँ बारी का मंदिर एकदम चमक रहा है दियों से, हजारों दिए लगाए हैं माँ बारी के मंदिर में। अभी देखिए तो अंदर भी लेके चलते हैं, अंदर भी देखो शिवलिंग में यहाँ पे गर्भगृह में दिए वगैरह लगाए हैं और आपको चारों तरफ का नज़ारा बताता हूँ। ऊपर भी नीचे भी सब जगह दिए ही दिए हैं, वो भी मिट्टी के दिए, वो भी सरसों के तेल में, देख सकते हैं। ऐसे नहीं कि मोमबत्ती लगाई है, ये देख सकते हैं। और माता रानी का मंदिर भी भव्य चमक रहा है। तो बाकी यहाँ से परिक्रमा भी करके जय हो माता रानी। बाकी देख सकते हैं चारों तरफ दिए ही दिए, चारों तरफ दिए ही दिए, देख सकते हैं। तो ताक जा थोड़ा पहना तुम भी, बूटी तुम भी हाँ भाई साफ होना जी, थोड़ा और कुलेजो, और कुलेजो। हैप्पी दिवाली आप सभी को भी, हैप्पी पावली और हैप्पी भगवाओ, भगवाओ गढ़वाली भाषा में भगवाओ। यहाँ पे अनुज जोशी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है आज दिवाली के दिन।
तो बाकी देखो मैंने अपने घर में भी चारों तरफ दिए लगा दिए हैं और मस्त करके ये देखो दिए। तो कुछ कुछ मिट्टी के दिए लगाए हैं और कुछ कुछ मोमबत्ती भी लगाई है। तो बाकी चारों तरफ अपने घर को भी रोशनी से भर दिया है और ऊपर भी देखो लड़ी लगा दी है पापा ने। और बाकी दिवाली में इतना शानदार लगता ना चारों तरफ का नज़ारा, बाकी सबके घर रोशनी से जगमगा जाते हैं। तो देख सकते हैं चारों तरफ देखो आज है दिवाली का दिन और बाकी चारों तरफ देखो लाइटें ही लाइटें दिखाई दे रही है। तो यही होता है और पटाखे की आवाज़ देखो इतनी भयंकर चारों तरफ पटाखे की पटाखे। रात का खाना भी रेडी है और खाने में आज क्या है, पूरी है, पकौड़ी है और पहाड़ी दाल है और लौकी गोभी की सब्जी है और रोटी है। तो आज दिवाली स्पेशल में इतना सारा रात का खाना है। तो फटाफट से रात का डिनर करते हैं फिर मिलते हैं आपको। और सभी को हैप्पी दीपावली, हैप्पी भगवाओ। तो गाइज अगर आपने अभी तक विपिन पहाड़ी ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर दे और ढेर सारा प्यार दीजिए गाइज। हर हर महादेव। तो गाइज अभी रात का खाना वाना भी हो गया है तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड, जय केदार बाबा, हर हर महादेव, जय श्री राम।